पहुंच गए देहरादून, फाइनली लगेज भी मिल गया। बहुत टाइम लगा मेरा लगेज आने में। पहुंच गए देहरादून, फाइनली लगेज भी मिल गया। बहुत टाइम लगा मेरा लगेज आने में। अब मुझे एक होटल लेना है, फटफट देखना पड़ेगा कौन सा होटल ले सकता हूँ आज के लिए। तो गाइस, देहरादून एयरपोर्ट से निकलने के बाद ये एक होटल में रूम बुक किया है मैंने। एक्चुअली देहरादून एयरपोर्ट से यहाँ तक आने में 2.5-3 घंटे लग गए। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और बारिश भी बहुत ज़ोर से हो रही थी इसीलिए, और 5:30-6 बजे यहाँ पे होटल पे पहुँचा मैं। उसके बाद यहाँ पर आकर ब्रेकफास्ट किया, एक सैंडविच लिया था और एक चाय लिया था, वो खा के मैं सो गया सीधा। और अभी उठ रहा हूँ मैं, और अभी यहाँ पर घड़ी नहीं है, 1 मिनट, 10 बज रहा है, 10 बजे उठा हूँ मैं। यहाँ का मैं आपको एक छोटा सा रूम टूर दे देता हूँ, छोटा ही है रूम, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये देखो, ये सेकंड फ्लोर पे ये होटल है। ये मेरा डिनर अभी जस्ट आया। ये टेबल, मिरर, ये वॉशरूम है और ये बेड है। ये होटल एक्चुअली मुझे सिर्फ एक दिन के लिए चाहिए था, वो भी मैं आपको बताता हूँ सिर्फ एक दिन के लिए मैंने होटल क्यों लिया है। मैं देहरादून एक इवेंट अटेंड करने के लिए आया हूँ और वो इवेंट का स्टार्टिंग डेट है 14, जो कि कल है, और आज 13 है। 14 का मुझे अर्ली मॉर्निंग का फ्लाइट नहीं मिल रहा था, इसके लिए मैंने 13 का बुक किया आज का। तो आज मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तो मुझे आज रात के लिए एक होटल स्टे चाहिए था, तो इसके लिए मैंने ये ले लिया। और कल से जहाँ पे हमारा इवेंट है वहीं होटल भी लिया हुआ है हम सब ने, तो जितने भी दिन हमारा इवेंट चलेगा हम उसी होटल में रहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं सो के उठा हूँ, फ्रेश हो गया पूरा, बट थोड़ा आवाज़ बैठ गया है मेरा क्लाइमेट की चेंज की वजह से। और मेरा डिनर आ गया है, तो सबसे पहले मैं डिनर कर लेता हूँ, खाना ठंडा हो रहा है, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। सो गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। अभी टाइम हो रहा है 8:40। मैं 7 बजे के करीब उठ गया था और नहा के एकदम रेडी हो गया हूँ। बहुत ही ठंडा पानी था और देहरादून का मौसम भी बहुत ही अच्छा है, मतलब पूरा ठंडा है। AC चालू करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, फैन भी बंद था रात भर। अभी ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है, ब्रेकफास्ट करके फटफट निकलना है मुझे इवेंट वाले होटल पर पहुंचना है। एक्चुअली कल फ्लाइट लेने से पहले मैंने परसों भी RT-PCR टेस्ट करवाया था, बट आज मुझे फिर से करवाना है, वो होटल पर पहुंच के हो जाएगा। बाय द वे गाइस, कल जो मैंने फ़्लाइट लिया वो मेरा फर्स्ट टाइम था, इसके पहले मैं कभी फ़्लाइट में नहीं बैठा था, तो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। पहले मुंबई टू दिल्ली, फिर दिल्ली टू देहरादून, मेन डेस्टिनेशन देहरादून था। तो दिल्ली में कुछ अराउंड 1.5-2 घंटा वेट किया मैंने सेकेंड फ़्लाइट के लिए, और अभी मैं भी पूरा रेडी हो गया हूँ। बैग भी पैक कर लिया है, ये लगेज बैग है, ये मेरा लैपटॉप बैग है, ये शूज़ है। अभी बस ब्रेकफास्ट आ जाए, ब्रेकफास्ट करके तुरंत निकलता हूँ। आपको मैं बाहर का थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे गार्डन टाइप है। ये है देहरादून सिटी। This is देहरादून। बारिश आज होगी लगता है। So guys, मेरा ब्रेकफास्ट आ गया है, सैंडविच एंड कॉफ़ी। अभी ब्रेकफास्ट करके फटफट निकलता हूँ। सो गाइज़, आई एम रेडी नाउ, अब बस मुझे निकलना है। और एक बात गाइज, मैंने अपना माइक, जो फ़ोन का माइक मैंने परचेस किया था पहले, वो मैंने कैरी नहीं किया है। अगर ऑडियो में थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो उसके लिए सॉरी, और प्लीज़ बेयर कर लेना अभी के लिए। और भी मुझे अपने वीडियो के लिए गैजेट्स अपग्रेड करने हैं, बट अभी सिचुएशन ऐसा हो रहा है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं नेक्स्ट ट्रैवलिंग कब करूँगा, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं वो परचेस करके रख लूँ और वो यूज़ में ना आए। माइक के साथ भी ऐसा ही हुआ, माइक मैंने परचेस कर लिया था बट वो
मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहा था तो वो रखे रखे ख़राब हो गया। मैं निकलने से पहले चेक किया माइक को तो माइक चल ही नहीं रहा था, इसके लिए मुझे वो छोड़ना पड़ा वहीं पर। अभी मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इसके लिए मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा और व्लॉग्स भी नहीं बन पा रहे, उसी की वजह से चैनल पे व्लॉग्स भी नहीं आ पा रहे हैं। आप लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पे सजेशंस भी आते हैं कि अपने गैजेट्स को इम्प्रूव करो, मुझे भी करना है अपने गैजेट्स को इम्प्रूव, बट अभी सिचुएशन ऐसा ही हो रहा है कि मैं अभी अपने व्लॉगिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। और अगर मैं कोई अभी गैजेट या गोप्रो या फ़ोन कुछ लेता हूँ, फ़ोन तो मेरे काम में आ जाएगा बट गोप्रो वगैरह उतना ज़्यादा काम में नहीं आ पाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि मैं गैजेट्स ले लूँ और उससे सिर्फ एक दो वीडियोस ही बना के। जैसे ही मुझे लगता है कि मैं व्लॉगिंग फुल फ्लेज कर सकता हूँ, फुल फ्लेज मीन्स एटलीस्ट 15 दिन में एक व्लॉग या वीकली एक व्लॉग अगर मैं कर सकता हूँ, तो मैं डेफिनेटली धीरे धीरे गैजेट्स अपने इम्प्रूव करना शुरू करूँगा। ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, यहाँ पे मेरी आईडी आ रही है। ये वीडियो तो आप काफ़ी देर बाद देखोगे बट इंस्टाग्राम पे मैं अपनी लाइव स्टोरीज अपडेट करता रहता हूँ कि अभी करंटली मैं कहाँ हूँ। सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो मेरी लाइव अपडेट्स जानने के लिए। अभी के लिए बहुत बातें हो गई, अभी मैं फटफट निकलता हूँ, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है मैंने। अभी ये है मेरे होटल का लॉबी, मैं यहाँ पे लोकेशन डाल देता हूँ, अगर आपको आना होगा तो आप आ सकते हो। ये देखिए ये था होटल। अभी मुझे अपने नेक्स्ट होटल के लिए बाहर से टैक्सी लेना पड़ेगा, ओला चेक कर रहा था बट ओला यहाँ पे दिखाई नहीं रहा है। सी गाइस, दिस इज आवर नेक्स्ट होटल। दो रिक्शा चेंज करके आना पड़ा मुझे। सो गाइज, वी हैव रीच्ड एट आवर रूम। नीचे हमने पहले RT-PCR टेस्ट किया और अभी हमें रूम से अलॉट हो गई है। कुछ ऐसा है हमारा रूम और ही इज माय रूम पार्टनर। हाय, हिमांशु पधारे फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र। ही इज हिमांशु एंड मैं आपको एक रूम टूर दे देता हूँ हमारा। कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा रूम। This is the view from our hotel. अच्छा यार view. This is bathroom. अभी जब तक हमारा RT-PCR टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक हमें अपने रूम में ही रहना है और कुछ टास्क दिए गए हैं हमें वो स्टार्ट कर देना है एंड इवनिंग में हमारा इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइज, अभी हमारा लंच आ गया है, ये देखो अभी हम लंच करेंगे। ये भाई साहब ने चालू कर दिया है, मुझे ज़्यादा भूख लगी थी। अभी जब तक हमारा RT-PCR टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आ जाता हम लोग को बाहर नहीं निकलना है, रूम के अंदर ही रहना है। क्या हो गए? आइसोलेटेड इन होटल रूम। हेलो, सो गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज द सेकंड डे। कल रात को 2 बजे तक हमारा सेशन चल रहा था, 2 बजे हमने सब वाइंड अप किया, उसके बाद सोने गए, उसके बाद अभी उठे हैं, अभी फिर से अभी सेकंड डे का प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया है। सो अभी मैं रेडी होके फिर आपको मिलता हूँ। सो गाइस, मैं रेडी हो चुका हूँ और अब हमारा सेकेंड डे का सेशन स्टार्ट होगा। अभी टाइम हो रहा है 10:30 होने वाले हैं, सेशन अभी स्टार्ट होगा और लेट नाइट तक चलेगा, ऑब्वियसली बीच में ब्रेक्स मिलेंगे। ब्रेकफास्ट में करके आ गया हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू अटेंड दी सेशन।